हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अभी हो रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग उठ गए हैं टू टेक अ डिप इन द ओशन एंड टू विटनेस द ब्यूटीफुल सनराइज। तो अब दिखाते हैं आप लोगों का। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, कोई भी नहीं था बीच पे हमारे अलावा इतनी सुबह सुबह, और धीरे धीरे सनराइज़ के साथ साथ जो कलर्स हो रहे थे बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग अभी आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। बेसिक सा ही ब्रेकफास्ट है, फ्रूट्स, कुछ क्रोसॉन, ब्रेड और चाय है, और शिवांगी ने कॉफ़ी ली है विद अ व्यू ऑफ कोर्स। चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और हमारे ये बैग भरते कैसे जा रहे हैं जी? हैं जी, ये 90-95 लीटर के बैग पैक हमने इसलिए लिए थे कि लाइट ट्रैवल करेंगे, मज़ेदार ऐसे पीठ पे लेके घूमेंगे, बट ये ऊपर ऊपर तक भरते जा रहे हैं। कैसा हो रहा है ये जादू? नो आइडिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 12:15 के आसपास, तो अभी हम जा रहे हैं बीच पे। ये देखो भाई, कलर्स देखो इस टाइम पे, जो पत्थर वाली जगह है काफ़ी डार्क ग्रीन और बीच बीच में एकदम ही वाइट और पीछे को ब्लू। ये जो बीच है काफ़ी अंदर तक शैलो है, देखो उधर उधर तक लोग गए हैं काफ़ी पीछे तक डिप लेने के लिए। वी आर ऑल सेट, वी आर लीविंग दिस प्रॉपर्टी, गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन कोसामुई। दिस इज आर लगेज सिचुएशन। ये पता नहीं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है और हमारा पूरा लगेज नहीं आया, एक बैक पैक रह गया, तो हमें एक और राउंड मारना पड़ेगा अभी, बट कोई बात नहीं, काफी पास ही है दूसरी प्रॉपर्टी भी, है ना? 10 मिनट। ओके, ये हम पहुंच चुके हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दिस इज द बान हिंसाई रिजॉर्ट और ये है रिसेप्शन से व्यू, बिल्कुल ब्लू वाटर्स, और ये हमें इसका स्विमिंग पूल बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए हमने मेरी प्रॉपर्टी करा दी। कार्ट से ले जाके हमें काफी अंदर तक छोड़ा है। वैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम, इट इज राइट हियर। और अभी ये जो थोड़ा इसके बाहर का पोर्च टाइप का एरिया जहाँ से इस तरीके का कुछ व्यू है, मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। सो ये देखिए, रूम भी मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है। इट इज़ नॉट सो बेसिक जैसा पहले वाला था, बट लुक एट दिस, वी हैव अ जकूज़ी एंड वी हैव शिवांगी एंड लुक एट द व्यू। नॉट जस्ट दैट बट द बाथरूम एज वेल, बट इट्स क्वाइट बिग। ये वाली साइड अगर देखोगे, छोटा सा क्लोज़ेट टाइप का एरिया, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा ही है। प्रॉपर्टी में काफ़ी ही क्वर्की सी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे वो उधर बैठने का जो बना हुआ है, और फिर जैसे सीढ़ियाँ जो कहीं नहीं जा रही, शायद स्वर्ग पहुंचाएंगी यहाँ से ऊपर। आप खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो और डायरेक्ट ऊपर। और ये कोई बहुत ही बड़ी चिड़िया का घोंसला बना हुआ, चढ़ के भी दिखा दें। है कोई? ओ, कुर्सी लगी हुई चिड़िया के लिए। मुझे दूसरा बैग लेने जाना है, लेकिन उससे पहले तो यही लग रहा है कि इस जगह से ही मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। भाई कहाँ से आए थे, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था कि आप कॉल कर देना और हम लेने आ जाएंगे, बट मुझ में ही थोड़ी चलती है कि नई प्रॉपर्टी देखूंगा। कोई नहीं, अब देख रहा हूँ। फाइनली पहुँच गए हैं अपनी स्कूटी की तरफ, अब दूसरा बैग लेके आना है। तो भाई मैं तो ले आया हूँ बैग अपना, और अब की बार जाते हुए मैंने ले ली है कार्ट, अब की बार मैंने समझदारी का काम लिया। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए कुछ पान या लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, एंड दिस इज अनदर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गेट ऑथेंटिक थाई फूड। शिवांगी इज द बेस्ट, थैंक्स। तो एक मैं बात बताना चाहूँगा, अभी स्कूटी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो शर्ट है ये यूनिसेक्स नहीं है, मेरे को यूनिसेक्स बोल के पहनाई गई थी, क्योंकि इसके बटन जो हैं वो आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि यू कैन पुल ऑफ एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू डोंट नो एंड यू डोंट केयर। तो हमने मंगवा लिया है पपाया सैलड बट विदाउट श्रिम्स, टॉम यम गाई, इसमें कुछ चिली पेस्ट का कुछ अच्छे से प्रिपरेशन होती है, एंड देन मसालन करी। आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज, लेकिन शिवांगी ने काफ़ी सुना है, बट यहाँ पे इमेज बनी हुई है इसकी। स्टीम राइस और फ्रेश शेक से बड़ा बोल आया है, टॉम यम, टोफू और बहुत
बहुत ही सही स्पाइसी है, बहुत ही मस्त है। और स्पेशली ये मसवान करी दिखाएं आप, देख लीजिए इतना अलग है इसका टेस्ट, इतना गाढ़ा, इतना थिक, इतना क्रीमी, और पीनट्स और पता नहीं क्या क्या इसमें डाला हुआ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही सही। एंड दिस इज पपाया सैलेड, आई ऑर्डर्ड इट, इसमें से भी बहुत मस्त खुशबू आ रही है। सो हियर इज अ बाइट विद अ मिक्स ऑफ मसवान करी और जो ये टॉम याम हमने मंगाया है, ये दोनों का मिक्स है। और भाई मैं एक बाइट ऑलरेडी ले चुका हूँ, क्या फ्लेवर आ रहे हैं, ट्रस्ट मी इट इज़ सो गुड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही अलग, ऐसे मैंने कभी कुछ नहीं खाया। फटाफट हम लोग आ गए खा पी के और अभी हम वापस होटल आ गए, चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा पूल रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं, पूल रेडी नहीं सॉरी बीच रेडी हो गया, अब जा रहे हैं हम बीच और सनसेट विटनेस करेंगे वहाँ से। चलो हम लोग कल जहाँ पे थे मेनांग बीच पे, वहाँ पे सनसेट थोड़ा सही से नहीं दिख रहा था, बट अब हम दूसरी साइड ऑफ द आइलैंड आ गए हैं ताकि सनसेट दिखे, बट अनफॉर्चुनेटली बादल बने हुए हैं। और यहाँ आने का डिसीजन हमारा सफल रहा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सनसेट होने वाला है, बादल वगैरह छट गए हैं। सेट भाई कभी ख़त्म हो के भी ख़त्म नहीं होता, सूरज नीचे जा चुका है बट कलर्स वाओ साहब, जितना जितना रुकते जा रहे हैं उतना ही फायर ही होता जा रहा है। बीच से तो आ गए थे, काफ़ी ही प्लेजेंट स्कूटी राइड रही और आते आते हमारा मन लल चा गया तो हम थोड़ा पूल में हो लिए थे। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हम कल निकलने वाले हैं कोह सामुई से कोताव जा रहे हैं, तो जो हमारी एक फेवरेट यहाँ पे मसाज की प्लेस थी इंग तारा के नाम से, वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद कुछ डिनर विनर करके वापस आएंगे। सो शिवांगी कैसी रही तुम्हारी मसाज, आ गए हम लोग, आई थिंक फुल बॉडी वाली में इतना मजा नहीं आ रहा, फुट मसाज बेस्ट है। अब क्या लाई है आप, अब हम आ गए 7-Eleven क्योंकि जगहें तो इस टाइम पे बंद हो गई हैं, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पाइन एप्पल पाए है और कॉर्न पाए है और भी उधर आई थिंक वेज ऑप्शंस जो फ्रोजन में हमने कुछ दिन पहले देखे थे वो मिल जाएंगे। चलो हम पहुँच गए हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, इस टाइम पे कार्ट तो बंद हो चुकी है जो हमें छोड़ के आती है, तो पैदल जा रहे हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को नहीं किया है, और ऐसे ही बने रहिए, अभी थोड़ा और टाइम है हमारे पास, अभी और भी आइलैंड है वो करते हुए नीचे क्राबी और पुकेट जाने का भी हो सकता है प्लान, वो भी हमने किया नहीं है। तो चलिए बाय बाय, शब खैर।